यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और बीएसपी को बड़ा झटका। गांधी परिवार की करीबी आदित्य सिंह बीजेपी में शामिल। बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल। अयोध्या के जीआईसी मैदान में 26 नवंबर को ऐतिहासिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम। करीब 3,500 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम योगी। अपना दल ने किया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। बहुत जल्द ही संयुक्त मंच पर दिखेंगे दोनों दल। सीट को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात। कहा रास्ते खुले हुए हैं, ये पहली मीटिंग है। उन्नाव से भाजपा की ट्रैक्टर रैली की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रैली का किया शुभारंभ। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर। पीएम मोदी के आवास में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। सीएम तीर्थ यात्रा योजना को लेकर सीएम केजरीवाल का ऐलान। तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या भी शामिल। अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। सीतापुर में रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। 25 नवंबर को होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में करेंगे शिरकत। विवादित किताब को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मौलाना कल्बे जवाद की तहरीर पर लखनऊ में केस दर्ज। लखनऊ क्राइम ब्रांच के 8 पुलिसकर्मियों पर शिकंजा। कानपुर में दर्ज हुआ मुकदमा। जुआ की फड़फड़। छापेमारी के दौरान गड़बड़ी का आरोप। कानपुर में सपा नेता अर्पित यादव की पुलिस के साथ बदसलूकी। पुलिसकर्मियों से धमकाते हुए बोले अर्पित यादव, तुम हमारे झंडे हटाओगे तो हम तुम्हारे बिल्ले नोचेंगे। बुलंदशहर पुलिस ने समाजवादी पार्टी की आपत्तिजनक होर्डिंग्स को उतरवाया। होर्डिंग्स में जेवर एयरपोर्ट को लेकर की गई थी विवादित टिप्पणी। औरैया के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा। 50 बेड सरकारी अस्पताल का सामान कबाड़ी को बेचा गया। अल्मोड़ा में आप उपाध्यक्ष अमित जोशी का टैक्सी चालकों ने मिठाई खिलाकर किया स्वागत। टैक्सी चालकों का आपको मिला समर्थन। वेस्ट यूपी को हाईकोर्ट बेंच मिलने की उम्मीद जगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से 27 नवंबर को मिलेंगे वेस्ट यूपी के वकील। कन्नौज में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले युवक को 3 साल की जेल। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से। आपको बता दें दिसंबर पहले सप्ताह में देहरादून में पीएम मोदी की जनसभा। दिसंबर महीने से उत्तराखंड में गरमाएगा चुनावी माहौल और पीएम की जनसभा को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 दिसंबर को देहरादून में पीएम की जनसभा की बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिसंबर पहले सप्ताह में देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सभाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगली जनसभा कुमाऊं मंडल में ही की जाएगी और जल्द तारीख का ऐलान होगा। कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।